और विधानसभा में अभी उन्हीं के सामने जो है जिस तरह का सदन के अंदर मैंने देखा मुख्यमंत्री और वार्ताक्रम में जो लोगों का सदन के अंदर भी अखिलेश जी ने क्या कहा था, भूल गए वो दिन? उसको बताइए जो डरता हो। ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज ओम प्रकाश राजभर है। हम शाक्य सैनी माली कुशवाहा नहीं है। हम बिंद केवट मल्ला निषाद पाल प्रजापति कुम्हार नहीं है। हम जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं है कि डरवा देंगे। 18% वोट देगा मुसलमान, हम मुख्यमंत्री बनेगा यादव? क्यों नहीं बनाते हो? 4 बार में 1 बार मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया? नहीं, हल्की बात, ये हल्की बात है। 18% वोट दिया मुसलमान, आपने क्या किया? ये बात उनको बुरा लग रही है। आप मीटिंग कर रहे हो ये जातिवार जनगणना की, आपसे तो बढ़िया नीतीश हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री होते हुए बजट भी अलाट कर दिया और जातिवार जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। आप क्या किए? आप तो मुख्यमंत्री थे, 4-4 वर्ष सरकार थी, तब याद नहीं आया? ये बात कहिए तो उनको बुरा लगता है कि हल्की बात है। हल्की बात है, जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। धैर्य रखिए, जल्दी वो खुलासा होने जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली लखनऊ का दरबार कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, खाली टिकट फाइनल कराने की फिराक में है। जल्दी आपके सामने आएगा, उस दिन पूछिएगा कि अब क्या हो गया। कुछ ऐसे विधायक हैं मंत्री बंद है, हम छोड़ देंगे तो आप लोगों से मुलाकात होगी? इस नाते हम यूपीए में रहेंगे, देश की राजनीति नहीं, हम यूपी की राजनीति मस्त है। 2022 का जब चुनाव था आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, उस वक्त भी बड़ा लोगों को गफलत में डाल के रखा था ना आपने, मुगालता लोगों को था अलग अलग तरह से। आप कहीं कहते थे मायावती के साथ जा रहे हैं, कहीं कहते थे कांग्रेस साथ जा रहे हैं, बाद में आखिरी दिन पता चला कि सपा के साथ जो है वो आप चले गए, वो हेलीकॉप्टर वहाँ उतर गए जाके आपकी रैली में। हम 8 महीने से बात कर रहे थे अखिलेश जी से, अखिलेश जी कतई तैयार नहीं थे, हम ही को गुमराह कर रहे थे। अंतिम दिन इस नाते मैंने कहा कि शायद आपको याद होगा, जब हमने हमारी और अखिलेश जी की फ़ोटो वायरल जब हुई जिस दिन, उस दिन मैंने कहा कि आज देखो ये फ़ोटो वायरल कर रहा हूँ, इसी पे निर्भर है समझौता। और उस फोटो ने समझौता कराया था, उस फोटो ने समझौता कराया था। उनको भी एहसास हो गया कि नहीं, हाँ कोई ओम प्रकाश राजभर धरातल पर काम करता है। उनको एहसास हो गया उस फोटो के वायरल से, तब समझौते के लिए वो तैयार हो गया। तब हमने आपको बताया कि अब समझौता होगा। इच्छा है मंत्री बनने की? ये मंत्री नहीं बनना चाहता। अच्छा, आपको बनाया जाए तो नहीं बनेंगे? हमारी देखिए, हमारी दिली इच्छा ना, हम मंत्री, हमारी लालच नहीं है, हमारी लालच एमएलए एमपी बनना नहीं। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक माध्यम दिया है कि सदन में खड़ा होकर अपनी बात कहने का। हमारी दिली इच्छा है कि जो वंचित शोषित हैं उनको हक मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उनके यहाँ तक पहुँचे, उनको जागृत हम करते हैं। हम आपके सामने यहाँ बोल रहे हैं, जब आप दिखाते हैं तो उनका जो दिमाग है ना वो ब्रेन वॉश होता है कि नहीं, हमारा नेता जो है सही बोल रहा है, हमको लड़ना चाहिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ना चाहिए, ये कैसे होगा? तो उनको एहसास होता है कि जो बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो राजनीति करो, वही एक ऐसी राजनीति की चाबी जिससे सभी बात बन सकती है। तो उनके दिमाग में ये बात आती है। जी का कल फोन भी तो आया था आपके पास, ये भी चर्चा, बिल्कुल चर्चा हुई वहीं से, दिल्ली से? दिल्ली से नहीं, अभी सुबह भी बात किए हैं। सुबह हमने बात किया कि ट्रांसफर दिया था, आपने किया नहीं क्यों? हमने उनको सुबह ही डांटा था कि आपने, आपको एक मैंने ट्रांसफर दिया था, आपने किया नहीं भाई, क्यों नहीं किया, जरा बात करो डीएम को। कहा ठीक, अभी बात करते हैं। तो हमारा उनका भाई का संबंध है, वो भी हमको डांटते हैं, हम भी उनको डांटते हैं। उनका काम हम नहीं करते हैं तो हमको डरते हैं, वो हमारा तो बहुत बड़ा काम करने के लिए दिल्ली के। नहीं नहीं, वो अपना अपना काम देखिएगा ना, वो अब देखिएगा बड़ा काम करके आ रहे हैं, वो अपना काम करके आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया, आप जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी हल्की बातें करते हैं ओम प्रकाश राजभर, बड़े हल्के लोग हैं, इनकी बातों का कोई भरोसा ही नहीं। हमारे संपर्क में तो बीजेपी का छोटे से लेके बड़ा नेता था और हमको डिगा नहीं पाया जब हमारे उस परिस्थितियों में थे, हमको कोई नहीं हिला पाया, हम तब भी समाजवादी थे, आज भी हैं,
ओम प्रकाश राजभर इतनी हल्की बात क्यों कर रहे हैं? रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के कई विधायक, सांसद, कई बड़े नेता संपर्क में हैं कि लोकसभा का टिकट फाइनल हो जाए तो खट से हम घोषणा कर दें। सरकार में शामिल होने के लिए कई लोग छटपटा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। जिस दिन सरकार में शामिल हो जाएंगे लोग, उस दिन हम आपको बताएंगे कि जाके पूछो कि ये क्या हो गया, राजभर की हल्की बात है कि आपकी हल्की बात है, ये उनसे पूछिएगा। जहूराबाद आएंगे आपके चुनाव में? अभी तो 27 में हुई महाराज, 24 में लोकसभा हो तो जाके लड़ कहन जातन। हम मदद तो करब, शिवपाल जी लड़ेंगे तो 50,000 वोट दिलाएंगे अपने विधानसभा में, लेकिन जीतने नहीं देंगे। मायावती का झंडा उठा रहे हैं आप, उन्होंने कहा मायावती भी बी टीम है। तो समाजवादी पार्टी भी तो बी टीम है। समाजवादी पार्टी ये ईडी सीबीआई से सब डरे हुए हैं, इस नाते ये मायावती समझौता नहीं करेंगे, ये अकेले लड़ेंगे। देख लीजिएगा, अगर इनमें दम है, ये वास्तव में चाहते हैं विपक्षी एकता, तो मायावती जी को ले लें। 13 प्रांतों में उसकी सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है और देश में एक चर्चित चेहरा है, कुशल शासक रही हैं। तब जिस दिन ले लें, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर का भी नारा लग जाएगा, मायावती जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश जी? योगी जी काम के मामले में, मायावती जी ये अखिलेश जी को जो अंधविश्वास था उसको योगी जी ने तोड़ दिया गाजियाबाद नोएडा जाकर। पुराने गाने सबको याद हैं, चल सन्यासी मंदिर। मुझे हमको भी याद है, हमको भी याद है, ऐसा नहीं है। हम जो आज के 40 साल पहले बोले हैं ना वो याद है, 20 साल बाद बोले वो याद है, ऐसा नहीं है। जो चीजें हम देख रहे हैं ना सब याद है। बातचीत के लिए शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी को। आपने सुना, हालांकि इन्होंने किसी भी तरह की कोई भी मंत्री बनने से या बातचीत से इनकार किया है, लेकिन कयास आ रहा है इसी बात की है कि अगले आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और उनको एक बढ़िया जगह दी जाएगी। चाहे ये भले इतना इनकार कर रहे हों, लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं इनकी बातों पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।